नमस्कार, इजी आयुर्वेद में आपका स्वागत है। आज का सवाल है, क्या बालों के जड़ने में साप्तामृत लोह फायदेमंद है? यदि हाँ तो इसका सेवन कैसे करें? कृपया कुछ विवरण दें। साप्तामृत लोह पाउडर या टैबलेट के रूप में लभ्य एक आयुर्वेदिक दवा है। यह मुख्य रूप से नेत्र विकारों के उपचार में प्रयोग किया जाता है। इसका उपयोग गैस्ट्राइटिस, पेट के दर्द, उल्टी, सूजन, थकान, बुखार आदि के उपचार में भी किया जाता है। वैशज रत्नावली ग्रंथ में इस औषधि का उल्लेख है, मधुकम त्रिफला चूर्ण मयोरजह समम लिहन मधुसर्पिर्युतम सम्यक ज्ञाक्षीरम पिबेदनु चर्दिम सतिमरिम शूलाम्ल पित्तम ज्वरम क्लमम अनाहम मूत्र संगाश्च शोतंचैव निहन्ति तत्। सप्तामृत लोह की सामग्री है मुलेटी, त्रिफला, लोह भस्म आदि। यह औषधि शहद और घी के साथ दी जाती है, तो यह एक साथ सात दवाओं का एक समूह बनता है, इसलिए इसे सप्तामृत लोह कहा जाता है, जहां सप्त का अर्थ है सात। यह औषधि चर्दी यानी उल्टी, सतिमिरम यानी मोतियाबिंद, शूलम यानी पेट का दर्द, आम्ल पित्तम यानी अति अम्लता, ज्वरम यानी बुखार, क्लमम यानी थकान, अनाहम यानी पेट में वायु, मूत्र संघ यानी पेशाब करने में कठिनाई, शोथ यानी सूजन, इन सभी में उपयोगी है। मायोपिया में साप्तामृत लोह और योग चिकित्सा के प्रभाव पर तुलनात्मक अध्ययन पर एक शोध अध्ययन किया गया है। प्रश्न की बात करें तो क्या साप्तामृत लोह बालों के जड़ने में फायदेमंद है? हालांकि यह दवा बालों के जड़ने में उपयोगी है, लेकिन हमें इसका कोई सीधा संदर्भ नहीं दिखता है। लेकिन अगर हम मुलेटी, त्रिफला और लोहे की राख का विश्लेषण करें, ये तीनों घटक बालों के स्वास्थ्य को बनाए रखते हैं, तो यह बालों के जड़ने के इलाज में उपयोगी है। आयरन की कमी से होने वाले एनीमिया से बाल जड़ सकते हैं। यह दवा आयरन के पूरक के रूप में भी काम करती है और इसलिए बालों का जड़ना रोकने में उपयोगी है। साप्तामृत लोह में त्रिफला हमारे पेट में लोह को पचाने में सहायता करता है। आयरन की कमी से बालों के जड़ने से संबंधित एक शोध अध्ययन किया गया है। आयरन की कमी का निदान और उपचार और बालों के जड़ने के साथ इसका संवादित संबंध। यह शोध अध्ययन बालों के जड़ने में साप्तामृत लोह के लाभ का समर्थन करता है, क्योंकि साप्तामृत लोह में आयरन कैल्स होती है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आयुर्वेद के और रहस्यों को जानने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाइए। आयुर्वेद के बारे में अधिक जानकारी पाने की इच्छा है तो अंग्रेजी में हमारे साप्ताहिक ऑनलाइन कक्षाओं में शामिल होने के लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर भेंट कर सकते हैं। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। नमस्कार।